क्वेश्चन जो कल आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा हुआ था उसी क्वेश्चन के ऊपर बेसिस से क्वेश्चन है। कल ये कांसेप्ट अगर बहुत अच्छे से याद होंगे सभी लोगों को तो ये क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, बाकी कांसेप्ट वही हमारे लगेंगे जो पुली ब्लॉक सिस्टम के। ठीक है, चलिए। अ बॉडी ऑफ मास 1.2 केजी, बॉडी है जिसका मास है 1.2 केजी, इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ टेबल। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल का, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास कितना है 1.2 केजी, एंड इट इज पुल्ड मतलब खींचा जा रहा है। इट इज अलोंग द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर उसको रखा गया है, और भी टेबल के, और उसको एक रस्सी से खींचा जा रहा है, और अब यह टेबल के साइड में लगी रहेगी तुम्हारी पुली बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग टाइड टू द बॉडी ऑफ मास 0.3 केजी हैंगिंग डाउनवर्ड्स। इट मींस दैट दिस इज अ सेकंड मास 0.3 केजी एंड इट इज हैंगिंग डाउनवर्ड, इट इज हैंगिंग डाउनवर्ड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो तुम्हारे दिमाग के सामने, आपके आंखों के सामने एक डायग्रामेटिक एक फ्रेम बननी चाहिए किस तरीके से होगी। देख, बॉडी ऑफ मास 1.2 केजी इज पुल्ड अलोंग द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द टेबल बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग टाइड टू द बॉडी ऑफ मास 0.3 केजी हैंगिंग डाउनवर्ड। तो ये 0.3 केजी इट इज हैंगिंग डाउनवर्ड एंड दिस इज 1.2 केजी इट इज रेस्टिंग ऑन द स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो देखिए तो डायग्राम कैसी बनेगी, यहां से ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये 1.2 केजी, ठीक है, सो दिस इज 1.2 केजी, ये 1.2 केजी है, इसको यहां एक पुली अटैच है ना, सो देयर इज वन पुली हियर, और यहां से ये इसको रस्सी से बांध करके यहां से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और एक वेट नीचे हैंग कर दिया गया, और जिसका मास कितना है 0.3 केजी, सो दिस इज 0.3 केजी। ठीक है, हाँ, अब ये बोल रहा है कि दिस इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बट दिस इज पुल्ड किसको हो रहा है, पुल्ड किसको हो रहा है, दिस इज 1.2 केजी, मतलब यहां से टेंशन किधर जनरेट होगा, इधर की डायरेक्शन से, ठीक है, सो दिस इज जनरेटेड टेंशन, और इसके लिए टेंशन किधर होगा, नीचे के ऊपर, ऊपर जाएगा इसका टेंशन और वेट के नीचे जाएगा इसका, जाएगा क्या, अच्छा टेंशन इधर जा रहा है वो, यहां से अगर मैं इसकी बात करूं जो 1.2 केजी है, इसका टेंशन इधर जा रहा है, एंड अगेन दिस इज पुल्ड, इट इज पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द टेबल बाय इनएक्सटेंसिबल लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग टाइड टू द बॉडी ऑफ मास 0.3 केजी। तो ये बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, इधर की इधर, बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना, बॉडी का मोशन भी इधर हो रहा है, टेंशन भी इधर की डायरेक्शन से, क्लियर। अब देख, बॉडी का मोशन इधर नहीं हो रहा है, अब बॉडी का मोशन भी इधर हो रहा है और टेंशन भी इसी डायरेक्शन से जा रहा है, लेकिन जैसे ये बॉडी इधर जाएगी तो ये बॉडी किधर जाएगी, ऊपर की नीचे, बट ऑब्वियस नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है ना, अगर ये सिस्टम अगर देखे तो ये अगर इधर बॉडी जा रही है तो ये नीचे जाएगी ऐसे, सो दिस इज एग्जैक्ट मैकेनिज्म, तो ऐसे ही मैकेनिज्म होगा ना, ठीक है, ये बॉडी जब इधर जा रही है तो ये बॉडी नीचे जानी चाहिए, मतलब इसका वेट क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, सो दिस इज डब्ल्यू, है ना, और ये क्या रहेगा तेरा एम, जो अगर मैं इसको एम वन मान लू और इसको क्या मान लें हम लोग एम टू, सो दिस इज डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू एम टू इंटू जी। यहां कंसेप्ट देख और यहां कंसेप्ट देख, यहां बॉडी के मोशन के अलॉन्ग में टेंशन का मोशन है, टेंशन का डायरेक्शन है, क्लियर, बट यहां ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे बट टेंशन का डायरेक्शन ऊपर, क्लियर। अच्छा, अगर हमारे कल वाले कंसेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से याद है तो आप इक्वेशन खुद ही बना सकते हो, यहां से यहां इक्वेशन बनेगी तेरी, एक पहले M1 के लिए, एक दूसरी इक्वेशन बनेगी M2 के लिए, ठीक है। अब देख, अगर मैं पहले M1 का इक्वेशन बनाऊं तो M1 का इक्वेशन कैसे बनेगा, टेंशन इधर भाग रहा है, अरे टेंशन इधर जा रहा है ना, अब इधर कोई बॉडी का मोशन हो रहा है क्या, नहीं, तो क्या इधर ही इसका फोर्स आएगा, अरे आएगा कि नहीं, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो टेंशन इधर आ रहा है क्या इसका फोर्स भी अलोंग इधर ही आएगा, जब फोर्स इसका अलोंग इधर आएगा तो देख मैं इसके लिए इक्वेशन बना रहा हूं, सो नाउ वी आर टेकिंग द इक्वेशन फॉर दिस फर्स्ट मास दैट इज 1.2 केजी, सो इसका मोशन देख, टेंशन इधर आ रहा है और टेंशन के साथ में कौन आ रहा है, इधर बॉडी का मोशन इज इक्वल टू फोर्स, क्लियर, एंड द फोर्स इज मास इनटू
acceleration. So it means that this is t is equals to this is m1 into a. a1 कैसे होगा? Acceleration है तो एक ही रहे. ठीक है? हाँ. So this is t is equals to m1 into a and we have the value of m1. This is 1.2 kg. So again this is t is equals to this is 1.2 into a. क्या पहली equation समझ में आ गई? ये equation हम लोग ने ऐसे क्यों बनाई है? बताओ जरा. क्योंकि बॉडी का मोशन और टेंशन का मोशन कैसे टेंशन का डायरेक्शन कैसे सेम है और बॉडी का मोशन इधर ही आ रहा है और टेंशन भी इधर आ रहा है इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी t is equal to m and f is equal to mass into acceleration so we are taking the equation for m1 and we have the equation for value of m1 so that is 1.2 kg so that is t is equal to 1.2 into clear क्या पहले बॉडी का इक्वेशन समझ में आ गया हां अब बात करते हैं हम लोग दूसरे बॉडी की क्लियर अब ये बॉडी का मोशन देखिए बस आप लोग को इमेजिन करना है कि भैया कंसेप्ट हो क्या रहा है या मैकेनिज्म हो क्या रही है जिस तरीके से मैकेनिज्म होगा उसी अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी क्लियर अब देख ये बॉडी का मोशन के नीचे जा रहा है और टेंशन का डायरेक्शन है ऊपर इसकी एग्जैक्टली रिवर्स कंडीशन थी यहां पे ठीक है अब बॉडी का मोशन इधर जा रहा है बॉडी मूव इधर हो रही है टेंशन इधर जा रहा है तो बट ऑबवियस w2 इज ग्रेटर देन t अरे बात समझ में आ रही है कौन ज्यादा है W2 अब सर W2 ज्यादा है तभी तो बॉडी का मोशन इधर है तो W2 इज ग्रेटर देन तो इक्वेशन देख अच्छे से W2 माइनस T इज इक्वल टू F बोल समझा अरे बोल समझा क्या जनाब इक्वेशन बना दे आने चाहिए बस अगर आपने इक्वेशन में कुछ सही बना ली तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे क्लियर हां सो W2 माइनस T इज इक्वल टू F सो वी हैव द इक्वेशन फॉर W2 M2 ठीक है सब देखिए यहां से सो दिस इज M2 G minus T is equals to M2 into A. Clear? हाँ, चलिए अब फिर से देख लेते हैं यहाँ से. So this is M2 into G minus T is equals to M2 into A. M2 का equation फिर से मेरे पास में, M2 का value मेरे पास में, ठीक है? अब यहाँ पे भी M2 का value मेरे पास में, तो कितना? 0.3 into G minus T is equals to 0.3 into A. Clear? चलिए. ये इक्वेशन हम लोग ने पहली बनाई थी ये इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन ठीक है अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जैसे कर लिया ऐड किए थे वैसे अभी भी ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूं सुनी सो सी एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सो बोल इक्वेशन बोल फटाक से 0.3 इनटू जी माइनस टी प्लस टी अरे होगा क्या इज इक्वल्स टू पहले ये आएगा 0.3 into A plus 1.2 into बोल क्लियर है सभी के लिए बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से आपको कोई भी इलस्ट्रेशन समझ में आना चाहिए ठीक है चलिए सामने चलते हैं अगेन सो ये देख ये माइनस टी है प्लस टी देख बच्चा 0.3 into G is equals to क्या यहां से A common तो 0.3 plus 1.2 into ठीक है तो क्या मेरे को A कैलकुलेट करना है पहले तो ठीक है देख यहां से फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मेरे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहां से एक्सेलरेशन का सो ठीक है तो ये 0.3 प्लस 1.2 तो चलो यहां ऐड कर लेते हम लोग पहले इसको सो इट्स g इज इक्वल टू कितना हो रहा है सो इट्स 1.5 a ठीक है अब ये 1.5 इधर चले जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा है ना तो यहां से आ गया a इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाय 1.5 यहां g क्लियर है क्या समझा गया ठीक है सो देखिए यहां से मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया यहां नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 3 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा 1.3 * g डिवाइडेड बाय 1.5 तो ये कितना आ गया यहां g डिवाइडेड बाय 5 है ना अब सही है सो a इज इक्वल्स टू दिस इज 9.5 डिवाइडेड बाय 5 नॉट एल मी 1.96 सो a इज इक्वल्स टू 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये हो गया अभी एक्सेलरेशन सही है अभी चाय वाले मंगा लो ये मेरे लिए एक बार तो ये कितना आ गया 1.96 ठीक है चलिए सेकंड क्या कैलकुलेट करना है टेंशन तो टेंशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 सो t इज इक्वल टू अगेन कितना है 1.2 into a सो t इज इक्वल टू So this is 1.2 multiplied by 1.96. So t is equals to 2.35.
2.35 यूनिट रहेगा। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया सभी को?